हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइज़ आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट 3 रिजॉर्ट्स विद पूल फॉर फैमिली एंड कपल्स इन न्यू दीघा। यस गाइज़, और ये होटल्स बीच के भी काफ़ी ज़्यादा पास है, ज़्यादा दूर आपको वॉक नहीं करना पड़ेगा। तो नंबर 1 इस लिस्ट में है सिग्नेट इन सी व्यू, 4.3 गूगल रिव्यू के साथ। इतनी सारी अच्छी रिव्यूज़ गाइज़ आपको मिल जाएंगी, और इसका प्राइस भी आप देख सकते हो 3016। अगर आप जुलाई अगस्त में प्लान कर रहे हो, बारिश के समय दीघा, न्यू दीघा जाने का सोच रहे हो, ये बहुत ही अच्छी चॉइस है। काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस प्रॉपर्टी है। इसका हॉल देखिए, सिटिंग एरिया देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। यहाँ पे एम्बियंस अच्छा है, फूड अच्छा है, और इतनी बड़ी सी बिल्डिंग है, इतना खूबसूरत सा इसका पूल एरिया है गाइज, बहुत ही अच्छा। आप एक ट्रिप बना सकते हो अगर आपके पास 2 दिन का छुट्टी है, या 14-15 अगस्त को आप प्लान कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, कपल ट्रिप प्लान कर रहे हो, अनमैरिड कपल्स अगर आप हो तो आप सोच रहे हो, तो ये सारे होटल जो मैं दिखाऊंगी वो अनमैरिड कपल्स भी वहाँ पे इजीली रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो गाइस पूल बहुत खूबसूरत लगता है मॉनसूनस में, और वहाँ पे इतनी अच्छी रेस्टोरेंट आपको मिलने वाली है कुछ इस तरीके की, आपका स्टे बहुत ज़्यादा लग्जूरियस इस प्राइस पॉइंट में बहुत बड़ा, और मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा बेहतर डील है गाइज। इसमें देखिए आपको रूफटॉप स्विमिंग पूल मिल जाएगा, और वो भी इतना प्यारा व्यू, सिटिंग एरिया, खाओ पियो मौज करो, अच्छे से एंजॉय करो। नंबर 2 गाइज इस लिस्ट में है होटल स्वर्णा दीघा, 4.7 239 रिव्यूज़, इतना अच्छा रिव्यू है गाइज इसका। और प्राइस देख लीजिए गाइज, अभी इतने कम प्राइस में आपको ये मिल रहा है, यूजली इसका प्राइस बढ़ जाता है काफ़ी। तो जो मैं आपको सीज़न दिखा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ जुलाई अगस्त के टाइम पे, मॉनसून के टाइम पे। अगर आप अभी 1.5-2 महीने बाकी हैं, अगर आप बुक कर लेते तो आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। और ये देखिए स्विमिंग पूल कितना बड़ा है गाइज, इट्स वेरी बिग, वेरी ब्यूटीफुल, और अलग अलग लाइटिंग यहाँ चेंज होती है, इसलिए स्विमिंग पूल का कलर भी आपको अलग अलग दिखता है, इसलिए मैंने आपको सारे पिक्चर्स देख के ये शेयर करवाया। रूम भी काफ़ी बड़ा है विद बालकनी स्पेस, पूल स्पेस तो बोल ही नहीं सकते, बहुत बड़ा रूम है गाइस, स्पेस अच्छा है, लग्जरियस प्रॉपर्टी है, नीट एंड क्लीन है, अच्छा फीलिंग आएगा आपको यहाँ पर आके। और देखिए गाइस इतना स्पेस, हर जगह आपको, सिर्फ जगह की कोई कमी नहीं होने वाली इस होटल में आपको, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। लाइटिंग वगैरह जो इनके हैं वो बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे भी आपको जैसे मैंने पूल दिखाया बहुत अच्छा है। अभी इसका आपको रेस्टोरेंट एरिया थोड़ा दिखाती हूँ, काफ़ी बढ़िया बड़ा सा रेस्टोरेंट है, अच्छे से कलरफुल सीट्स दी गई हैं। नंबर 3 अब बढ़ते हैं होटल कोरल, 4.1 रिव्यू के साथ, 3-स्टार प्रॉपर्टी है। तो आप देख सकते हैं ये भी आपको 2500-2600 में मिल जाएगा, बट गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, पहले बुक करो, जितनी जल्दी पहले बुक करोगे उतना अच्छा अच्छा आपको होटल एंड ऑप्शंस मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे जैसे होते हैं ना कोरल्स अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के, यहाँ पे जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं आपको, तो इस तरीके की चीज़ें जब आपको मिलती हैं, और आप अपने बच्चों को भी यहाँ पे ला सकते हो, एज मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइज़। आप इसकी रेस्टोरेंट एरिया एक बार देख लीजिए, स्विमिंग पूल एरिया देख लीजिए, तो ये सारे ही होटल्स आपको न्यू दीघा में मिल जाएंगे। काफ़ी खूबसूरत, देखिए रात को कितना खूबसूरत लगता है, इसका जो गार्डन है, पार्क है, उसी में सारी चीज़ें डेकोरेटिव इन्होंने की है, कोरल वाला थीम दिया गया है यहाँ पे, इसलिए होटल का नाम भी पड़ा है होटल कोरल। और यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स फैमिली जिसके साथ भी आते हो आराम से रेस्टोरेंट में बैठो, चिल करो, खाओ पियो। रूम्स की अगर मैं बात करूँ, रूम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं गाइज, आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है। हाँ, आप पहले से बुकिंग करो तो आपको आपके मनपसंद रूम भी मिलेंगे, एंड यहाँ पे भी आपको स्पेस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, एंड देखिए अलग अलग वैरायटी है, लाइटिंग सेटअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो ये आपके रूम को, तीनों ही रूम होटल्स को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा बनाता है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक।